I'm super excited to binge watch all my favorite movies and more. Subscribe to Shimaru Me. अरे ये क्या फिर से वो क्या है कि सावित्री आज फिर आखिर सेठ जी के लिए आप कब तक अपनी जान खतरे में डालेंगे? देखो सावित्री, सेठ जी के हम पर बहुत एहसान है। अगर मेरे खून का एक एक कतरा भी उनके किसी काम आ सके तो भी कम है। लेकिन अपनी जान खतरे में डालने के बजाय आप पुलिस को क्यों नहीं बता देते? वो मैं अभी नहीं कर सकता, क्योंकि सेठ जी के सौतेले भाई गिरधर पर मुझे सिर्फ शक है, पूरा यकीन नहीं। आप दूसरी नौकरी ढूंढ लीजिए। याद करो सावित्री, जब अपना अर्जुन बहुत बीमार था और यहाँ के सब डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था, तो सेठ जी ने अमेरिका से डॉक्टर्स बुलवाए थे, लाखों रुपया पानी की तरह बहा दिया था। क्या हम उनके एहसान कभी भूल सकते हैं? कैसी बातें कर रहे हो भीम सिंह? सावित्री की वजह से आज हमारा राजकुमार जिंदा है। मां के दूध की कीमत भला पैसे से चुकाई जा सकती है? अगर तुम दोनों नहीं होते तो हमारे खानदान का नामो निशान तक मिट गया होता। सेठ जी, आपने आने की तकलीफ क्यों की? मुझे बुला लिया होता। नहीं भीम सिंह, आज कुछ बात ही ऐसी है कि हमें खुद आना पड़ा। आज हमने अपनी पूरी जायदाद का ट्रस्टी सावित्री बहन को बना दिया है। जी मुझे? हाँ बहन, हम लोगों की जान को तो हमेशा खतरा ही रहता है, इसलिए अगर हमें कुछ हो जाए तो राजकुमार की देखभाल करने के लिए कोई तो होना चाहिए। वैसे भी राजू तो तुम्हें अपनी मां ही समझता है। पिताजी जी, ट्रस्ट के कागजात सावित्री बहन के हवाले कर। जी ठीक है। और जब तक यहाँ के हालात ठीक नहीं हो जाते हैं, राजकुमार को हमारे दोस्त माथुर के पास लंदन भिजवा दीजिए। ओके सर जी, आपने हम पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है, कहीं लोग इसे गलत ना समझ बैठे कि कहीं हम आपके पैसे। भीम सिंह, मैं लोगों की परवाह नहीं किया करता। मैंने जो कुछ भी किया है सोच समझ कर किया है, और फिर मेरा तुम लोगों के सिवा है। देखभाल करूंगी। मेहता जी, आप राजा को लेकर यहाँ से चले जाइए। लेकिन आपको इस हालत में आप वैसे कीजिए जैसे मैं कह रही हूँ, जाइए यहाँ से। लोग ऐसा ना समझे कि ये जगह पैसे की वजह से। ऐसे नहीं होने दूंगी। अर्जुन को उसके दादा मेरे पिता दशरथ सिंह लखनपुर भेज देना। लखनपुर? मेरा फर्ज पूरा करोगे ना? We'll be right back.
खोल रहा हूँ। तुम अशरथ सिंह? हाँ? ये तुम्हारा ग्रैंडसन अर्जुन। अर्जुन तुम्हारा सन भीम सिंह का मर्डर हो गया। भीम सिंह का खून हो गया? खून हो गया उसका? किसने खून किया उसका? किसने मर्डर किया उसको? बताओ बताओ। मुश्किल से हम तुम्हारा सन का निशानी को बचा कर लाया। मगर इसकी इसकी माँ कहाँ है? माँ कहाँ है इसकी? वो, वो। बोलो बोलो बोलो। बेहया बेशरम, तूने औरत जाति का अपमान किया है। एक वो सावित्री थी जो अपने पति सत्यवान को यमराज से वापस मांग लाई, और एक तू है जिसने दौलत के लालच में अपने पति की बलि चढ़ा दी। नहीं नहीं, ये सब झूठ है पिताजी, झूठ है। चली जा यहाँ से, इससे पहले कि मेरे जले हुए दिल से कोई बददुआ निकले और तुझे जलाकर खाक कर डाले। चली जा, चली जा मैं कहता हूँ। ठीक है, अगर मेरे नसीब में यही लिखा है मैं चली जाती हूँ, मगर एक बार, सिर्फ एक बार अर्जुन को मुझे अपने सीने से लगा लेने दीजिए। सीने से तो क्या, मैं तेरा मनहूस साया भी उस पर नहीं पड़ने दूंगा। ये तेरा बच्चा नहीं है, मेरा बच्चा है, मेरा खून। तूने तो अपने हिस्से का खून मेरे बेटे की जान लेकर बहा दिया, अब तू अपनी औलाद मुझसे मांग रही है। मगर मैं किससे जाकर अपना बेटा मांगू? बोल किससे मांगू? आज मेरे पास मेरी बेगुनाही का कोई सबूत नहीं है। आप जो कहेंगे मुझे मंजूर है, मगर एक दिन आपको मेरी बेगुनाही का सबूत मिलेगा, जरूर मिलेगा। आप इसी में खुश हैं तो आपकी खुशी के लिए मैं अपनी सारी ममता कुर्बान कर दूंगी, अपनी छाती पर पत्थर रख लूंगी, ये भूल जाऊंगी कि मैंने कभी किसी बच्चे को जन्म दिया था। एक माँ के लिए इससे बड़ा इम्तिहान और क्या हो सकता है? तो फिर उसकी कसम खा, तू कभी उसको नहीं बताएगी कि तू उसकी माँ है? हाँ, मैं अर्जुन की कसम खाती, मैं उसको कभी नहीं कहूंगी कि मैं उसकी माँ हूं। अगर किसी दिन उसने आपसे ये पूछ लिया कि उसकी माँ कहाँ है, तो आप कह दीजिए कि उसकी माँ भी मर गई। क्या बात है मेहता जी, सुबह सुबह कैसे आना हुआ? ये अखबार देखा है आपने? अखबार नहीं तो क्यों? मालकिन वैसे खबर तो दुख की है, मगर इसी में हमारी खुशी है। प्लेन क्रैश? जी हाँ, पूना प्लेन क्रैश में गिरदलाल खत्म हो गया है। अब राजकुमार की जिंदगी को कोई खतरा नहीं। अगर आप चाहें तो हम राजकुमार को विलायत से वापस बुलवा सकते हैं। नहीं मेहता जी, मैं राजकुमार की पढ़ाई लिखाई में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती हूँ। जब तक वो पढ़ लिख कर बड़ा होकर इस काबिल नहीं बन जाता कि अपने पिता का कारोबार संभाल सके, उसे वहीं रहने दीजिए। इसे एक मिनट में नींद आ जाएगी। हाँ, सो जा बेटे। दुदायक फलदान दीन तम जान कहीं अर्जुन। अरे ओ अर्जुन, अरे सूर्य सर पे चढ़ा है भाई, उठ। अरे अर्जुन, ओ अर्जुन। ना ना, मैं तने नहीं जान दूंगा। तुम मेरी जिंदगी हो, तुम मेरे सब कुछ हो, मैं नहीं जान दूंगा, नहीं जान दूंगा। अरे ओ अर्जुन, नहीं जान दू। ओ अर्जुन, दद्दू तुम, मतलब मैं सपना देख रहा था। बोल किसका सपना देख रहा था रे? बोलना बता दादा को। बोल, अरे शर्म आता क्यों है, बता भी। बोल बोल बोल,
सपने में किसको देखा? तुमको। मुझको? मन ने देखा कि दद्दू मन ने छोड़ के जा रहा है और मैं चिल्ला चिल्ला के बोल, नहीं दद्दू मन ने छोड़ के मत जाना, तुम मेरी जिंदगी हो, तेरे बगैर मैं मर जाऊंगा। अरे धत तेरे की, मैं समझा था कि तू तरक्की कर गया होगा, मगर तू तो भाई वैसे का वैसा ही है। अरे जवानी के सपने में कोई मुझ जैसों को देखता है, मैं क्या देखने की चीज हूँ? हेलो कर लो बात, देखने की चीज? अरे तुम तो देखने की चीज हो, सुनने की चीज हो, गोद में सर रख के सोने की चीज हो। मतलब दद्दू तू ही मेरा सब कुछ है, तुम्हारे सपने में नहीं आएगा तो और कौन आएगा? अरे 25 का बांका जवान हो गया है, मगर बुद्धू का बुद्धू ही है। अरे इस उम्र में तो मन में मस्ती होती है, दिल में एक तरंग होती है और सीने में अरमान होते हैं। तुझे कुछ नहीं होता? होता है ना। क्या? मुझे भी मस्ती आवे, तरंग उठे, सीने में अरमान जागे। अरे कैसे अरमान जागे ये तो बता। यही कि मैं अपने दद्दू की खूब सेवा करूं, उसके लिए एक बढ़िया सा घर बनाऊं, खूब खेती बाड़ी करूं, अपने हाथों से अपने दद्दू को खाना खिलाऊं। अरे यही जवानी का अरमान है ना भाई, तो इससे तो बड़ा पाई बेहतर। क्यों दद्दू, मारी जवानी में गड़बड़ है? अरे गड़बड़ तो कोई नहीं है, मगर तू उठ ना हाथों ले। दद्दू जब मैं छोटा था ना तो तू मुझे अपनी गोद में उठा के ले जावे था, अभी भी ले चलना। हे भगवान, लोग उम्र के साथ साथ आगे बढ़ते हैं मगर ये रिवर्स में ही जावे है। ओ मैं समझ गया, आज से इस घर में ये रिकॉर्ड नहीं बजेगा, हाँ मैं रिकॉर्ड दूसरा ही बजाऊं। कौन सा रिकॉर्ड बजावेगा दद्दू? जाग दर्द इश्क जाग। छी 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 दद्दू, बुढ़ापे में कैसी बात। अरे बूढ़ा होगा तेरा बाप, तेरे बाप का। नहीं नहीं यहीं तक ठीक है, चल उठ ना तो ले उठ। अपनी बात भूल गया क्या? गाँव से तो सिपाही भर्ती होके गया था फौज में, और आया तो जब तो रिटायर अफसर बन के आया था। तूने बड़े बड़े मुल्क देखे, बड़ी बड़ी जबानें सीखी, बड़े बड़े तजुर्बे लिए, मगर तुम्हारा अर्जुन उसने तो गांव का पनगढ़ भी नहीं देखा। अरे भाई इसीलिए तो तारे से सलाह करने आया हूँ कि उसका क्या करूँ। उसे मेरे छोरे के पास शहर भेज दे। शहर नहीं चौधरी, मैं अपना जवान बेटा खो चुका हूँ शहर में, अब मेरा दिल नहीं मानता। दशरथ सिंह, कभी कभी उसी की खातिर गम को गले लगाना पड़ता है। अर्जुन की जुदाई तो तुम्हें गले लगानी पड़ेगी, और फिर मेरा बेटा भैरों भी तो शहर में है, मैं उसे चिट्ठी लिख देता हूँ, वो तुम्हारे पोते की वो ऊंचाई के हिसाब से ऊंचा उदा देखेगा और तू उसे शहर भेज देना। ठीक है। मैंने थारी सारी बातें सुन ली दद्दू, तू मुझे शहर भेजेगा और वो भैरों मुझे बड़ा ओहदा देगा, मैं कोई नहीं जाना शहर वहर, सारी जिंदगी पाल पोस के बड़ा किया, जब मैं जवान हो गया तो कहता मुझे छोड़ के चला जा। नहीं नहीं दद्दू, मैं नहीं जाना, सारी दुनिया छोड़ सकता हूँ मैं, तुझे ना छोड़ू तो क्या सारी जिंदगी तू मेरे गले पड़ा रहेगा? हाँ हाँ सारी जिंदगी तो मैं थारे गले ही पड़ा रहा हूँ, आज क्या मैं थारे पे इतना बोझ बन गया हूँ कि तू मुझे इस घर से निकाल के शहर की भूल भुलैया में फेंक रहा है? अरे 6.5 फुट का मर होर कर लड़कियों जैसी बातें कर रहा है तू तो। अरे कब तक यहाँ पड़ा जुत्तियां झटकाता रहेगा, शहर जा, अपने पैरों पर खड़ा हो। तो कर लो बात, अपने पैरों पे तो खड़ा हो दद्दू, ये देख। क्या मुसीबत है, लंबे की अकल घुटने में होती है पर तेरी तो लगता है जुत्ती में है। अरे बाबले, इस दुनिया में इंसान 2 बार जन्म लेता है, एक बार माँ की कोख से पैदा होकर घर आता है और दूसरी बार घर से निकलकर दुनिया में जाता है, अपनी इज्जत कमाता है, अपना नाम कमाता है। देख तू जितना ऊंचा है ना उससे भी ऊंचा नाम कमा, ताकि दुनिया को तेरा दद्दू ये कह सके कि ये रहा मेरा पोता अर्जुन सिंह। देख मेरे जीते जी तू कुछ बन जा, मेरा क्या भरोसा, न जाने कब ऊपर वाले का बुलावा। बस दद्दू इसे अगले बोलना, तेरा बुलावा आया ना तो मैं जाऊंगा, मैं उसको बोलूंगा दद्दू मैं हूं। नहीं, नहीं। तू चाहता है ना कि मैं शहर जाऊं, मैं जाता हूं, मैं कुछ बढ़ के दिखाता हूं, अपने पैरों पर खड़ा होकर दिखाता हूं, खुश ना तू? हाँ। जीते रहो बेटे जी। बस दद्दू तू बुलावे वाली बात ना करियो, भगवान मेरे बुरी नजर से बचाए। वक्त आ गया है कि मैं तुम्हें जिंदगी का अपना वो राज बता दूं जिस पे आगे चल के तुम्हें अमल करना होगा। बेटे
आज से 20 साल पहले जब तुम पंचगनी के एक स्कूल में पढ़ते थे, मैं तुमसे मिलकर बंबई वापस आना चाहता था। मैं जब पूना के एयरपोर्ट पर पहुंचा तो मैंने वहां एक आदमी को एक टिकट के लिए ऑफिसर के सामने गिड़गिड़ाते हुए देखा। उस आदमी का शायद कोई फैमिली मेंबर बंबई में बहुत सख्त बीमार था, इसलिए उसका वहां जाना जरूरी था, पर हवाई जहाज में कोई सीट खाली नहीं थी। ना जाने मुझे क्यों तरस आया और मैंने अपना टिकट उस आदमी को दे दिया। वो आदमी मुझे दुआएं देता हुआ हवाई जहाज में बैठ गया। वो हवाई जहाज उड़ा और वो उड़ान उस जहाज की आखिरी उड़ान थी, क्योंकि कुछ ही मिनट बाद वो जहाज पनवेल की पहाड़ियों में टकराकर क्रैश हो गया था। सबके सब मारे गए लेकिन मैं बच गया बेटे। शायद मैंने जिंदगी में एक नेक काम किया था और वो था अपना टिकट उस आदमी को देना। अगले दिन अखबारों में मरने वालों की लिस्ट में मेरा भी नाम था और मैंने इसका पूरा पूरा फायदा उठाया बेटे, चूंकि मैं दुनिया की नजरों में मर चुका था। समझे बेटे? ये था कहानी का एक हिस्सा। आओ मेरे साथ। और बेटे ये है कहानी का दूसरा हिस्सा। डैडी ये तो हमारी मालकिन है। मालकिन नहीं, तुम्हारी नौकरानी है। नौकरानी? सिर्फ नौकरानी। हाँ ये देखो, सान्याल होटल बंबई जिसके तुम मैनेजर हो, सिंगापुर, हांगकांग, लंदन, अमेरिका, इस तमाम प्रॉपर्टी के तुम बराबर के हिस्सेदार हो बेटे। बराबर? डैडी आप क्या कह रहे हैं, मैं इस प्रॉपर्टी का बराबर कैसे करूं? डैडी मजाक मत कीजिए, मैं पापा पागल हो जाऊंगा। पागल मत बनो और मेरी बात को गौर से सुनो। ये तमाम प्रॉपर्टी, इसका मालिक मेरा बड़ा भाई सान्याल था और ये उसकी फोटो। मतलब दाऊ जी? लेकिन सौतेले, मैंने इसे और इसके बेटे को मारना चाहा। सान्याल मर गया और उसे बचाने के चक्कर में उसका वफादार नमक हलाल नौकर भीम सिंह भी मारा गया। मगर भीम सिंह की बीवी सावित्री ने, जिसे तुम मालकिन कहते हो, राजकुमार को कहीं छुपा दिया ताकि बड़ा होकर वो इस जायदाद का मालिक बन सके। लेकिन उसे नहीं मालूम कि मेरी भी कोई औलाद है। डैडी मैं सब समझ गया, मैं आपकी जिंदगी भर की तपस्या को बेकार नहीं जाने दूंगा। आज तक तो मैं सान्याल होटल का मैनेजर रहा, लेकिन अब दीमक बनकर सारी की सारी सान्याल प्रॉपर्टी को चाट जाऊंगा। नहीं बेटे, ये काम इतना आसान नहीं। राजकुमार किसी भी वक्त यहां आ सकता है। इससे पहले कि वो हिंदुस्तान वापस आए, अपने बाप की गद्दी को संभाले, वो जहां कहीं भी हो उससे ढूंढ कर खत्म कर दो। रिलैक्स डैडी, ऐसा ही होगा। चलो सीधे खड़े हो जाओ, ये लो। आंटी ये आज लड्डू क्यों बांटे जा रहे हैं? आज मेरे बेटे का जन्मदिन है। लेकिन आपका बेटा कहाँ है? जी सुनिए, नमस्ते। ये पता बता सकती हैं कहाँ है? हम इस शहर में नए नए अभी आए, ये हमारे दोस्त का पता है। ओह, ये आगे जाके दाएं मुड़ जाइए, पहला मकान है। धन्यवाद। सुनो जी, ये लो। ये क्या है? लड्डू, आज मेरे बेटे का जन्मदिन है। अरे वाह, आज तुम्हारा भी जन्मदिन है। अच्छा? हाँ, मगर माड़ी माँ जो है वो हमसे बहुत दूर चली गई है। खैर कोई बात नहीं, आप भी तो हमारी माँ ही समान है, लाइए। धन्यवाद माँ जी। टैक्सी वाले, लो एक और आया बेकारी पढ़ाने को। लो कर लो बात। अबे भूल गया, तू नहीं तो कहा था भाई पढ़ा लिखा है, लंबा चौड़ा है शहर, आजा तुम्हें आ गया। बहुत अच्छा करा, मगर आने से पहले कुछ खबर तो करनी चाहिए थी भाई। मौका ही नहीं मिला, दद्दू पीछे पड़ गया, कहने लगा कब तक जूतियां चटकाता फिरेगा गांव में, शहर में जाके अपने पैरों पे खड़ा हो जा, तो मैं आ गया अपने पैरों पे खड़ा होने। बहुत अच्छा करा। मैंने नौकरी तो मिल जाएगी ना भाई? अब तू आ गया है तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। एक बहुत बड़े होटल का मैनेजर है तो मेरा यार, और होटल भी है 5 स्टार। 4 बार मैंने नहीं मालूम, मैंने तो नौकरी चाहिए। वो तो करेंगे, पर कपड़े क्या पहन रखे हैं भाई? कपड़े क्या पहन रखे हैं? अबे भूल गया, गांव में राव साहब की बेटी की शादी में यही तो कपड़े पहने थे, अब इससे बेटर क्यों हो गए? मतलब ये कि कपड़े भी बनवाने पड़ेंगे। कोई बात नहीं, तू मुंह हाथ धो, तब तक उसके बाद बैठ के बातचीत करते। अरे मेरे अर्जुन सिंह। फॉर एक्सक्लूसिव क्लासिक मूवीज डाउनलोड शिमारू मी ऐप नाउ।